यूपी के हमीरपुर जिले में आज पुलिस ने एक राजसीय बाइक चोर गैंग का खुलासा करते हुए वे 8 मोटरसाइकिल के साथ वे 4 छात्र बाइक चोरों को गैंग को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के छात्र चोर प्रदेश के कई जिलों में मोटरसाइकिल वे चुरा कर औने पौने दामों में वे उन्हें बेच कर मालामाल हो रहे थे और इन बाइक चोरों के पुलिस ने पूछताछ की है तो पता चला है कि जैलोन के कानपुर से भी मोटरसाइकिल चुरा कर वह हमीरपुर लाते थे और वहाँ उनके नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन बदल कर वह करते थे और वहीं पर हमीरपुर मुख्यालय में पिछले कई दिनों से वह बाइक चोर होने की जानकारी पुलिस को मिल रही थी और जो कि पुलिस के लिए भी सरदर्द बनी हुई थी वह, लेकिन आज पुलिस ने एक राष्ट्रीय बाइक चोर गैंग का गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बाइक चोर वह जलौन के कानपुर और मोटरसाइकिल के चुराकर नंबर प्लेट बदलकर हमीरपुर के रखा करते थे और पुलिस ने सूचना के आधार पर कुराना क्षेत्र के एक चोरी मोटरसाइकिल वह शातिर चोर के लिए आदत तमाचा के साथ गिरफ्तार किया है और पूछताछ के बाद पता चला है कि ये बाइक चोर सरगाना के है और इसमें से 8 बाइक बरामद की हुई है। देखिए, थाना कुरारा और हमारी स्वाट टीम के द्वारा आज 4 अपराधी को पकड़ा गया, जिनमें से एक का नाम है सचिन यादव, दूसरा कौशल किशोर है, एक हरदेश यादव है और एक है शिव सिंह। ये 4 लोगों से 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सचिन यादव थाना कुरारा क्षेत्र का रहने वाला, पहले भी लूट के मामले में जेल जा चुका है। इनका जो गैंग लीडर है ये सचिन यादव है, इनके द्वारा ये कौशल किशोर और हरदेश कुमार से मुखबिरी करके गाड़ियाँ उठवाते थे और शिव सिंह इन गाड़ियों में परिवर्तन करके नंबर प्लेट और आर्मी कोड चेंज करके इन गाड़ियों को आसपास के क्षेत्रों में भेजते थे। ये सारी गाड़ियाँ इन्होंने जालौन और कानपुर से चुराई है और इस तरीके से काफ़ी अच्छा एक गैंग पकड़ा गया है और इसमें काफ़ी अच्छी बरामद भी 8 मोटरसाइकिल मिली है। तो पूरी टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है और आगे भी इस टीम के द्वारा जो इनके अन गैंग मेम्बर है उनको कार्रवाई की जाएगी और भी इसमें बरामदगियाँ होंगी इनके द्वारा और भी इस तरीके की घटना की कार्रवाई की जाएगी। लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।